हमारा बिजनेस हमारे हाथ में है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ये भी बहुत समझना जरूरी है, कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमारे प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, दैट इज नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। सो ये कॉन्फिडेंस कंपनी पे होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और वो नेसेसरी कॉन्फिडेंस कंपनी पे नहीं आ रहा। सो जब तक कॉन्फिडेंस या बिलीफ सिस्टम कंपनी पे डेवलप नहीं होगा, तब तक जो है आगे की जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कंपनी है जो 100 कंट्रीज एंड टेरिटरी से ज्यादा में बिजनेस करती है, इसका मॉडल फुल प्रूफ होने वाला है। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे आज 9 कोर स्टेप्स के 3 स्टेप्स फर्दर ऑन, जो है कि 100% प्रोडक्ट यूजर, डेवलपिंग कस्टमर बेस जहां से हमारा वॉल्यूम आएगा, एंड शो द प्लान कि कैसे हम लोग टीम खड़ी करते हैं। ठीक है, सो 100% प्रोडक्ट यूजर में फिर वही आपके सामने आ जाऊंगा कि सबसे पहले बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए अपनी कंपनी के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी रेड दिखाई दे रहा है, ये सब हमारी कंपनी का विस्तार है कि इतने बड़े ग्लोब में आपकी कंपनी है और यही आपका बिजनेस का भी पिक्चर हो सकता है। आप पूरे इंडिया में या इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो जब तक हम माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, शायद हम उतना बड़ा एक्शन नहीं लेने वाले। ठीक है, दूसरा सिस्टम हमारा प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली बिलीफ इन द प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। दे आर द बेस्ट इन द क्लास प्रोडक्ट्स। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन, वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, एप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो हमको यही करना पड़ता है कि हमको प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा एंड अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। सी होएगा क्या कि जो हम हैं वही हम सामने लोगों को ट्रांसफर कर पाए। अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा जो बिलीफ है वही हम ट्रांसफर करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है वही हम ट्रांसफर करते हैं। अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इट्स मोर ऑफ ए सेल्समैनशिप हो जाएगी। सेल्समैन जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट यूज करे, मगर बेचता है, उसमें वो फीलिंग है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम, यूजुअली नहीं भी होती है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल टाइप का चीजें होती है प्रोफेशनल, बट हमारा बिजनेस सारा फीलिंग्स पे बेस्ड है। ठीक है, अगर हम ग्लिस्टर नहीं कर रहे हैं तो वो स्माइल आएगी ही नहीं। अगर हम किसी से कहेंगे ग्लिस्टर बहुत अच्छे टूथपेस्ट, वो स्माइल लाने के लिए तो ग्लिस्टर हमको यूज करना ही पड़ेगा। अगर हम डेली नहीं खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, तो उसके चेहरे से, आपके चेहरे से कोई ना कोई तो समझ जाएगा कि हेल्दी कहाँ है और आप देना क्या चाहते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्रोडक्ट्स यूज करें। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट्स आंबे के एक साथ यूज करना शुरू कर दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपका अपना बजट होगा, अपने बजट के हिसाब से अपने अपलाइन के साथ बैठ के उन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करिए। और बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, 80 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक के प्रोडक्ट्स हैं। सो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग नए लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे पास तो पुराने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, आप जब तक हमारे या अपने प्रोडक्ट, इसमें अपने ही कहना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे शायद बिजनेस नहीं शुरू होगा, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट बिजनेस का ही वही है कि हम अपने लायबिलिटी को इन्वेस्टमेंट एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम वो सब चीज यूज करते हैं जो हमारी जेब में पैसा डालने वाला है। अगर मार्केट के प्रोडक्ट आपकी जेब में पैसा डालते हैं आप यूज करिए, अगर नहीं डालते हैं तो मत करिए। ठीक है, हमारा ग्लिस्टर हम यूज करते हैं, हमारी जेब में पैसा आता है। ठीक है, हम वही लोगों को सिखाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समझना कि हम प्रोडक्ट्स यूज क्यों करते हैं। दे आर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो डाउट, बट हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर, हमारी ड्रीम्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस तरह की एक लिस्ट बनाइए। पार्थो जी ने एक लिस्ट भेजी थी कि इस तरह की एक लिस्ट बना के जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनसे डिस्कस करिए। बहुत सारे, कई बार नए लोग आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स यूज करना है, और वो 1 किलो प्रोटीन पाउडर उठा के ले आए 3-4 हजार रुपए का, और फिर ऊपर छत पे वो कहीं रख दिया, उसको रोज देख रहे हैं, घर भर देख रहा है,
ठीक है, कि इतना बड़ा इतना बढ़िया प्रोडक्ट मगर खा नहीं रहे हैं, उसको देख के डर लग रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट लाए, यहाँ देखिए करीब 4,000 रुपए में 15 प्रोडक्ट्स। अगर आपने उनका घर भर दिया इन सब प्रोडक्ट से तो इट्स वेरी गुड, घर भर यूज कर रहा है, ग्लिस्टर आया, सोप आया, शैम्पू आया, सारे लोग यूज कर रहे हैं, फीलिंग डेवलप हो रही है। और आप शेयर कर रहे हैं, आपके बच्चे भी शेयर करेंगे, आपकी वाइफ भी शेयर करेंगी, आपके मदर फादर भी शेयर करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जितने भी नए लोग हैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्रोडक्ट लिस्ट पे बहुत ध्यान से सिलेक्ट करके उन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, ठीक है, गुड। और ये बहुत समझना जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट्स हमको क्या देने वाले हैं। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कार है वो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी जेब से पैसा निकालती है, आपने उसको ऊबर या ओला के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो वो एसेट बन जाती है, वो आपको पैसे देने लगती है। इसी तरह आपका अगर घर है, आपने उसको लाइबिलिटी है, आपने उसको एयरबीएनबी या ओयो के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो आपको पैसे देने लगता है, वो एसेट बन गया। बट जो आपके खर्चे हैं, जो मार्केट से आप सामान ला रहे हैं, वो तो आपका एसेट नहीं बन रहे। बट वही प्रोडक्ट जब हम एम्वे के प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारा एसेट बन सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स हमको एम्वे के प्लेटफॉर्म से पैसा दे सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स हमको एम्वे के प्लेटफॉर्म से हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि सब प्रोडक्ट्स आप यूज करिए। दूसरा जैसे कि स्टेप आया डेवलप 10 to 15 customers, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 10 से 15 customers। और ऐसा नहीं है, सी सपोज मैं, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मैं डेली खा रहा हूँ और मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि भाई आज की तारीख में आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, तो पूछेगा क्यों, आई एम टेकिंग सप्लीमेंट, मैं डेली खाता हूं। तो इट्स नॉट सेलिंग, इट्स रिकमेंडेशन, इट्स शेयरिंग। तो जरूरी नहीं है कि हम सबको झोले में रख के सामान बेचने ही जाएं। हम जनरल कन्वर्सेशन जब शुरू करते हैं किसी से और अपने बारे में उनसे शेयर करते हैं कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या अच्छी चीज है जो हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट शेयरिंग। अगर शेयरिंग हम करते हैं तो हमारे कस्टमर्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और आप सोच के देखिए, 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अगर 5 families आपके साथ यूज करने लगी तो आपका 10,000 का टर्नओवर खड़ा होने लगा। आप सोच के देखिए, 2,000 के प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा टर्नओवर तो नहीं हुआ, अगर आपने 5 families आपके चारों तरफ हैं, आप हैं, आपके इन-लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर, ब्रदर, 1-2 family members, हो गए 5-6 family, 2,000 के प्रोडक्ट्स मंथ के, तो 10,000 का टर्नओवर। अगर 10 families हो गई तो 20,000 का टर्नओवर। और जब हम लोगों से शेयर करते हैं तो धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ते हैं, जब कस्टमर्स बढ़ते हैं तो टर्नओवर बढ़ता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम जो सीख रहे हैं और जो फील कर रहे हैं, अगर वो हम शेयर करने लगते हैं लोगों से तो हमारा टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा, कस्टमर से कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करना बहुत जरूरी है और एक फीडबैक लूप डेवलप करना बहुत जरूरी है कस्टमर से। क्यों ऐसा है? कई बार होता है हम उनको प्रोडक्ट देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने उनको प्रोडक्ट दिए, चलो चला गया 1 kilo protein या डेली चली गई बड़ी, बहुत खुश हो गए। बट अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई और हमने उनसे कम्युनिकेशन नहीं डेवलप किया है तो हो सकता है कि रिपीट ऑर्डर ना आए। अगर कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ है और रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट अगली बार वो किसी और से ले। और देखिए, अगर आपका कस्टमर अनहैप्पी है या कोई उनको चैलेंज है तो उससे घबराना नहीं है। बिल गेट्स ऐसे ही कहते हैं, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम उनका आंसर ढूंढेंगे जिससे अगले कस्टमर्स को हम और अच्छे से सर्व कर सके। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस। जितना हम लर्न करेंगे, जितना हम क्वेरीज को आंसर करेंगे, अपने से समझेंगे, उतना बड़ा हमारा आगे बिजनेस हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि हमको एक टीम डेवलप करना है क्योंकि हमको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। अगर हम अकेले ही 100 customer को सेल करते रहे और 1 महीने बीमार पड़ गए तो उस दिन, उस महीने की तो सेल 0 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली ये बिजनेस की क्या है? इट्स डुप्लीकेशन। जब तक हम जो कर रहे हैं वो हम आगे सिखाएंगे नहीं, एक टीम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला है ना।
जैसे हमको बड़े लेवल्स को देखना है, हमको एमरल्ड जाना है तो हमको 3 teams डेवलप करनी ही करनी है, अगर हमको डायमंड जाना है तो 6 teams डेवलप करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्लान दिखाना आना चाहिए, जितने भी नए लोग हैं उनसे डेफिनेटली और पुराने लोग सभी लोग, जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंस आएगा हमको। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक्शन से ही आएगा, बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक हमारे अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाते रहेंगे हमको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। बिलीफ हो सकता है डेवलप हो जाए लोगों को देख के कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस केवल एक्शन से ही आने वाला है। और एक्शन जब हम कंसिस्टेंटली लेंगे, लगातार लेंगे, तो हमारी हैबिट बन जाती है और वहीं से स्किल डेवलपमेंट हो जाता है ना। सपोज आपके बच्चा है और आपने उसको ब्रश करना सिखाया तो शुरुआत में दिक्कत होती है, बट आज की तारीख में अगर घर में लाइट नहीं है तो भी आप वॉशरूम में जाके ब्रश उठा के करने लगेंगे, यू नो इट्स अ हैबिट, क्योंकि वो स्किल डेवलप हो गई क्योंकि रोज कर रहे थे। इसी तरह जब हम रेगुलर बेसिस पे प्लान शो करते हैं तो हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है और फिर दिक्कत ही नहीं होती। फिर हमको अगर किसी दिन नहीं दिखाए तो लगता है कि भाई आज कुछ मिस हो रहा है, ठीक है ना। इस लेवल तक कंसिस्टेंटली हमको प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। कितने प्लान दिखाना जरूरी है, यू नो डिपेंड्स हाउ फास्ट यू वांट टू सक्सीड। जितना आप तेजी से बिजनेस को बनाना चाहते हैं, जितना आप जल्दी अर्निंग्स में आना चाहते हैं, सो उतना जल्दी प्लान दिखाइए। मे बी 5 to 10 STPs पर वीक दिखाइए, 3 to 5 पहले कहते थे, बट अब तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है कि नहीं। अब तो प्लान दिखाना बहुत आसान हो गया है, अब तो यूट्यूब लिंक्स आ गए हैं। मे बी हम 2 YouTube लिंक रोज शेयर कर सकते हैं तो हफ्ते के 15 plans भी हो सकते हैं। सो एटलीस्ट 5 to 10 plans तो हमको हफ्ते में आज की तारीख में टारगेट करना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, 50 core families डेवलप करना है। और जैसे मैंने बताया, अगर हम 20,000 का टर्नओवर करना सीखते हैं 10-15 कस्टमर्स बना के, तो अगर 50 families हमारे साथ आती हैं तो ये 10 lakh का भी टर्नओवर होता है। So, जितना जल्दी प्लान दिखाएंगे उतने जल्दी आपकी टीम डेवलप होगी, जितने जल्दी आपकी टीम डेवलप होगी उतना बड़ा आपका टर्नओवर होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एक आइडिया है तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसको 1 महीने में बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर वांटेड एंटरप्रेन्योर है, मतलब अगर हम सोच रहे हैं और चाह रहे हैं केवल कि हम एंटरप्रेन्योर बने और काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आइडिया आज का और 1 महीने बाद 1 साल बाद वो आइडिया ही रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्शन लें। एक्शन लेंगे तो बहुत जल्दी हमारी टीम डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना तेजी से इससे टाइम जो है, अब वो फास्ट ट्रैक का टाइम आ गया। जितनी जल्दी हम फास्ट ट्रैक पे जाएंगे, जितनी जल्दी प्लान दिखाएंगे, उतनी जल्दी हमारा बिजनेस खड़ा होएगा। और आखिरी में मैं अगेन यही कहूंगा, यू नो इस बिजनेस को आपको अपने हार्ट में लेना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपकी कंपनी के आप ओनर हैं और अपनी कंपनी के तो आप ओनर ही हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा है, आई हैव सक्सीडेड ओनली बाय हेल्पिंग अदर्स सक्सीड, एंड दैट इज द की टू द बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों को हम सक्सेस दिलाएंगे उतनी जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। Hopefully it made sense. Thank you, Ajay, and thank you, Parthoji.